मुझे ये बताइए कि आईटी एक्सपर्ट हैं आप और बहुत कम में कि खावीन आईटी एक्सपर्ट हो बहुत ही कम है मतलब आईटी जो होती है ना यहाँ से गुजर जाती है क्योंकि लड़के जो होती है ना देर मॉडिंग टू लाइफ स्टाइल फैशन कलर्स ड्रेसिंग्स मतलब लाइफ स्टाइल कह देना तो मुझे लगता है एज एन आई टी एक्सपर्ट वेन यू केम बैक टू पाकिस्तान वट वर द चैलेंजेस यू रियलाइज के इर्द गिर्द है बच्चे बच्चों को वो सीखना चाहिए या वो नहीं हो रहे या ये होना चाहिए देखिए आई टी एक ऐसी फील्ड है जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है mm. इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तीस साल से कम उम्र के जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में सिक्सटी फोर परसेंट है विच ट्रांसलेट अबाउट लाइक वन फोटी थ्री वन फोर्टी एट मिलियन लोग हैं जो कि तीस साल से कम उम्र के अच्छा यू एन डी पी के रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से छः परसेंट जो है वो यूनिवर्सिटी की एक्सेस उनको मिलती है उस मीनस कि नाइनटी फोर परसेंट लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी के की एक्सेस उन्हें नहीं मिलती हायर एजुकेशन की तो एक आईटी ऐसी एक चीज़ है जिसमें अगर छः महीने की ट्रेनिंग किसी ने एफएससी पास किया है छः महीने की ट्रेनिंग ले सकता है और कुछ ना कुछ कमाने के काबिल mm. हो सकता है सो आई टी इज़ दैट लो हैंगिंग फ्रूट विच आई थिंक कैन कैन बी यूज उससे उससे ये होगा कि लोग फ्री लेंसिंग प्लेटफॉर्मस होते हैं उन पर इस तरह के जॉब्स कर सकते हैं कुछ ना कुछ कमा सकते हैं और उससे आईटी एक्सपोर्ट इनकम भी पाकिस्तान की mm. uh, बेहतर होगी तो आईटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा और औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज औरतों के लिए जो फ्री है वो तो आप घर बैठ के कर सकते हैं तो जो और, जिन औरतों को चैलेंज है कि वो बाहर नहीं जा सकती फॉर सम रीज़न घर में रिस्ट्रिक्शन हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या जो यंग मदर्स हैं hmm. वो बाहर नहीं जा सकती तो वो घर पर बैठे वो कमा सकती हैं और वो भी डॉलरों में Very तो nice. आपको पता है कि डॉलर पैक्ड इनकम जो है कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता वो, 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 हाँ. exactly. तो औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यंग बच्चियों के लिए औरतों के लिए दिस इज अ वेरी यू नो दैट फील्ड व्हिच हैज डिविडेंड्स मतलब बहुत uh, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो घर बैठ के एक इनकम कमा सकती है मुझे ए के बारे में पूछना आपसे देखिए जमाना ए का हो गया एंड ऑफकोर्स यूर ए आई प्रोफेशनल तो हाँ बिल्कुल तो बिकॉज़ आई का मुझे क्या दिस एनवायरनमेंट कि नहीं व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट देखिए एआई इज़ द नेक्स्ट वेव मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारी जो जितनी भी वेव्स आई रहे इंडस्ट्रियल वेव एक आए उसके बाद एक आप कह लें कि कंप्यूटर एक वेव आई जिसमें बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया आ गया बहुत कुछ हुआ ये एक नई वेव है एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड एक ये बहुत बड़ी चीज़ है um और जो इसको नहीं सीखेगा इसको नहीं समझेगा इसको नहीं यूज़ करना सीखेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा uh, क्योंकि देखिए अब आप चैट जीपीटी पी टी से uh, कुछ भी पूछ लें वो आपको उसका जवाब दे देता है और जितनी हाँ जितना आपको आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो, तो आपको पूछना आना चाहिए जैसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि सही तरह से प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए तरीका आना चाहिए तरीका आना चाहिए बिल्कुल और ए आई बहुत जल्दी आगे एडवांस क्योंकि मशीन hmm. लर्निंग है ना मशीन लर्निंग का ये होता है कि जितना उसने जिस लेवल पे सीख लिया जितनी उसकी ट्रेनिंग हो गई फिर वो उस लेवल से स्टार्ट करके आगे बिल्कुल. फिर जाएगी ना इट्स नॉट इट्स इट्स नॉट लीनियर इट्स एक्सपोनेंशियल तो आई um, थिंक ये वो एक चीज है जो इग्नोर uh, ही नहीं की जा सकती की जा जा इन एनी फील्ड यू हैव टू बी इन आई to know ai to learn about ai even if you're a doctor you're a beautician you are in research you're an economist you're a business professional Um, be ai say app productivity guna It multiply ho sakti hai? guna multiply ho sakti hai?